हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनीथिंग पर। आज हम पोहे का झटपट से बनने वाला नाश्ता बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप पोहा ले लिया है और इसके साथ ही हम 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। पोहे को अच्छे से वॉश कर लेंगे हम 2 से 3 पानी में और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। सूजी भी इसके साथ ही हम मिला लेंगे और इसके साथ हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश दही ऐड करेंगे। दही बिल्कुल भी हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा अगर दही होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फ्रेश दही डालेंगे हम इसमें और 2 से 3 चम्मच डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से पीस लेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे। सब्जियां हम अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी मिर्ची और शिमला मिर्च ले रही हूँ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ी सी कड़ी पत्ता, दोनों ही हम बारीक बारीक करके थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। पूरी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, सेट होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ही हमारी सूजी फूल के तैयार हो जाएगी अच्छे से। 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके डोसे बनाएंगे। इस तरह का बैटर होना चाहिए हमारा, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा ठीक ही रहता है इस तरीके से पोहे के डोसे का बैटर। और इसको हम धीरे धीरे फैलाते हुए पतला कर लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी फैलाने से ये नॉन स्टिक पे हट जाएगा। नॉन स्टिक पैन पे बना रहे हैं हम, तो थोड़ा सा धीरे धीरे फैलाएंगे हम इसको ताकि अच्छे से फैल पाए। और इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से। फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे धीरे धीरे से। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में, लेकिन बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं इस तरीके से पोहे के डोसे बनाने से। तो आप भी इंजॉय कीजिए डोसे की रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।